मार्क्स के सामने अपना बिजनेस आइडिया लिए अब तक कई एंटरप्रेन्योर्स आए, लेकिन हमारे अगले पिचर टैंक में अपना प्रोडक्ट लॉन्च करने आ रहे हैं। आइए देखते हैं क्या इनके प्रोडक्ट में है वो बात जिससे इम्प्रेस होंगे हमारे शार्क्स। नमस्ते सर। मैं रमेश पटेल। मैं चंद्रकांत पटेल। और मैं जय उमरेटिया। शार्क्स, हमें पता है जब हमारे घर पे बच्चे का जन्म होता है तो घर में खुशियों का माहौल छा जाता है, लेकिन उसके साथ साथ पेरेंट्स के ऊपर एक जिम्मेदारी भी आती है, जैसे कि बच्चों को खाना खिलाना, उसको नहलाना, उसको सुलाना, उसको झूला झुलाना और उसका मनोरंजन करना। और ये सब करने में पेरेंट्स को अपना 100% अटेंशन देना पड़ता है। ऐसा ही कुछ रमेश जी के साथ हुआ। जब उसकी यहाँ बेटी का जन्म हुआ तो जब बच्ची जन्मी तब उस खाना पीना ना तो सब भाभी जी संभाल लेती थी, लेकिन जब उसको झूला झुलाने का काम उसके भाग में आता था, भी रात को जग जाती थी तो उसको भी उठना पड़ता था, और ये सब करने में उसे बहुत ही कंटाला आता था। तो फिर एक दिन मेरे पास वो जब आए थोड़े दिन के बाद, तो फिर वो बोलने लगे कि अगर अपने आप ये झूला झूले ऐसा कुछ बना सकते हैं क्या आप। मेरे पीछे वो 1.5 साल लगे रहे और फिर इस आइडिया पे मैंने काम शुरू किया और 7 साल के बाद जन्म हुआ इस झूला का। सर, मैं किसान परिवार से हूँ। मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि आज झूला का आपके सामने फर्स्ट बार लॉन्च कर रहा हूँ। अरे वाह। हम लोग रेज कर रहे हैं 10% इक्विटी के बदले 50 लाख रुपीस। तो साक्ष, क्या आप हमारा इनोवेशन देखना चाहेंगे? बिल्कुल जरूर दिखाइए। सो अभी ये झूला ब्लूटूथ से कनेक्टेड है और इस झूले को हम इस मोबाइल फोन से ही ऑपरेट कर सकते हैं। हमको ये झूला झूलाना स्टार्ट करना है तो हम इसके अंदर स्विंग कंट्रोल ऑन कर सकते हैं। वाओ, ये झूला 15 सेकंड में अपने फुल स्पीड पे झूलना स्टार्ट हो जाएगा। ओ वाओ, स्पीड बढ़ेगा। यस वाओ। इस तरह से हमने इसके अंदर फैन और लाइट भी लगाए हुए हैं। अभी इस झूले को मैं ऑफ करूंगा। जब ये ऑटोमेटिक मोड पे है तब झूले का रुकते ही फैन अपने आप स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही ये झूला झूलना स्टार्ट होगा वैसे ही ये फैन ऑफ हो जाएगा। इसके अंदर हमने एक वेइंग स्केल इंक्लूड किया है जिसकी मदद से पेरेंट्स अपने बच्चे का वजन इस झूले में ही नाप सकते हैं। वाओ। मेजर बटन पे टैप करते ही ऐप के अंदर और झूले में लगी हुई स्क्रीन के अंदर बच्चे का वेट आ जाएगा। अरे वाओ। और अगर बच्चा रो रहा है तो पेरेंट्स अपने फोन से ही इस झूले में लोरी सुना सकते हैं। और अगर बच्चा सुसु करेगा तो ये झूला पेरेंट्स को उनके फोन में नोटिफाई करेगा। ये वेट डिटेक्शन में नो लिखा हुआ है वो यस में तब्दील हो जाएगा। ओह वाओ। इसके अंदर हमने और फिजिकल फीचर्स भी लगाए हुए हैं, जैसे कि अगर इस झूले को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है तो हमने इसमें टायर सिस्टम लगाया हुआ है। बहुत कुछ सोचा आपने। झूला कम बेबी सिटर दोनों का काम पूरा। बहुत सोचा। तो टायर सिस्टम ऑन करते ही एक पर्सन इस झूले को आसानी से मूव कर सकता है। बच्चे को अंदर बैठ के भी झूला झूल सकता है। उसके लिए झूले का आगे का हिस्सा खुल जाएगा। 6 साल तक का बच्चा इसके अंदर आराम से पैर फैला के झूल सकता है। क्या बात है। तो रमेश जी, चंद्रकांत जी और जय, केम छो? मजा हो। तो इसको हम गुजराती में इंचको बोलते हैं ना? हाँ, इंचको। बेसिकली मुझे ये कहना है कि गुजरातियों की एक खासियत है कि कहाँ भी हो, दुनिया के कौन से भी कोने में हो, आपके घर में एक इंच का होता है, पक्का होना है, और वो टोई टोई वो उस पे चलते रहता है। मेरे घर पे भी है बाय द वे। क्या होता है इंच का भाई? हिचका, स्विंग। 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 आप जरा बताइए, ये आपको काम आया अपने बच्चे की परवरिश में कि आपने पहले सोच लिया था कि नहीं इसका बिजनेस बनाएंगे? नहीं, सोचा नहीं था सर। अच्छा। काम भी नहीं आया मेरे बच्चे। अच्छा। काम भी नहीं। क्या है कि मेरे मैं एक बात जो पकड़ लेता हूँ ना तो छोड़ता नहीं। अच्छा। बाद में जो रिजल्ट आए वो उसकी कोई दिक्कत नहीं। तो आप ढीठ किसान हो। अभी आपकी कोई सेल है, बेचते हैं आप इसको? नहीं सर, इसमें थोड़े सर्टिफिकेट है जो कंप्लायंस करने, उसका कुछ कैपेक्स होगा इसके अंदर। ये प्रोटोटाइप है और एक ही प्रोटोटाइप बनाया है आपने और वो लेके आए आप, सही बात? हाँ। सही। और आप लोग कहीं नौकरी कर रहे थे लास्ट 7 साल कि आप यही कर रहे थे? नहीं, ये जी किसानी है तो वो तो खेती अभी भी कर रहे हैं। हाँ। चंद्रकांत जी है वो OEM मैन्युफैक्चरिंग करते थे, रेगुलेटर वगैरह, LED लाइट्स वगैरह। LED लाइट्स हो गया। मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ, टेलीकॉम किया है मैंने।
तो जॉब वो वाली छोड़ दी आपने, बंद कर दिए, अब यही कर रहे हैं? नहीं, वो कर रहे हैं, बूटस्ट्रैप स्टार्ट हुए, हम लोग का कुछ रेवेन्यू नहीं है, तो हम लोग आए हैं सास के पास कि अगर इसके अंदर हम आगे इसको लेके जा पाए वेंचर को, तब हम अपना जॉब छोड़ेंगे, छोड़ सकते। आपने कुछ बच्चों के साथ ये प्रोडक्ट टेस्ट किया है? हाँ, किया है मैडम, मेरे भांजे के साथ ही, ये उसको ही अंदर बिठा के वो क्या क्या हरकतें कर रहा है वो सब हमने उस पर दिखा कि ये क्या कहाँ इसको छू रहा है तो इसको दिक्कत आएगी, वो सब हमने इस पे देखा। क्या उसकी माँ से या उसके पिताजी से जो एज अ कस्टमर इस प्रोडक्ट को यूज करेंगे उनसे आपने फीडबैक लिया या अपनी वाइफ से आपने पूछा हो जब आप झुला रहे थे तो? नहीं मैम, मेरी तो शादी नहीं हुई अभी तक। अरे अच्छा, आपने अपनी वाइफ से फीडबैक लिया? मेरे वाइफ को तो पता ही नहीं है, मैंने इतना सीक्रेट रखा है मैडम, मेरे वाइफ को पता ही नहीं। खुफिया झूला, आप बहुत समझदार आदमी हैं। बड़े सीक्रेटिव आदमी हैं। अभी इधर मैं आया हूँ, फिर भी मेरे घरवाली को पता नहीं है कि मैं इधर आया हूँ। अरे, तो उनको आप शो देख के पता चलेगा कि आप इधर आए थे? तो पता नहीं है, शो में आएगा। तो फिर घर जाके क्या होगा? बॉम्बे घूमने आया हूँ। अच्छा वाह, कमाल के बंदे यार, कमाल करते हो। क्यों आप डरते हैं उनसे? नहीं डरते नहीं, औरत लोग उसके पेट में बात छुपी नहीं रहती, इसलिए मैंने कहा। कमाल है, कमाल है। ये बनाने में आपने कितना पैसा लगाया है? टोटली 25 लाख कर हमने उसका। 25 लाख ये बनाने में लगा है? हाँ, ये 7वां मॉडल है हमारा, क्योंकि सर इसमें हमने पैटर्न राइज वगैरह लिया हुआ है, राइट्स वगैरह, तो उसका पैटेंट भी ले लिया आपने? हाँ, पैटेंट भी ले लिया है। 25 लाख रुपए लगा दिया आप? हाँ, आप, आपकी क्या काफी अर्निंग है कि आपने एक छोटा सा प्रोजेक्ट में लगा दिया, या ये सब कुछ लगा दिया आपने लाइफ की अर्निंग इसमें? नहीं, सब कुछ लगा दिया। माय गॉड, 7 साल तो ये आसान रहा 25 लाख रुपए लगाना? नहीं आसान नहीं आया, पसीना आ गया। तो अब कुछ पैसा बचा है या सब? नहीं सर, सब कुछ भी नहीं बचा है, इसीलिए सर हम इसके अंदर प्रोडक्शन में नहीं जा रहे ना, लाइक ये 2019 से बना हुआ है। अभी इसका कॉस्ट क्या पड़ेगा आपको बनाने में और सेल्स प्राइस क्या रखोगे आप? तो हम लोग ने इसको सोचा है जैसे ही हम लोग को रिस्पांस मिलेगा, इधर किकस्टार्टर और ऑनलाइन विशलिस्ट बनाएंगे व्हाटएवर, उस हिसाब से लेट्स से कि ऑर्डर आया इन मल्टीपल ऑफ 10s तो उसका एक प्राइस है विच इज अराउंड 45,000 to 50,000 rupees हमारा कॉस्ट एक बनाने का। हाँ, अगर हम इन मल्टीपल ऑफ 10s बना रहे हैं, हमको इनको इन मल्टीपल ऑफ 100s बनाने हैं, तो इट विल गो डाउन टू 40,000। अगर इसको इन मल्टीपल ऑफ 1000s बनाएंगे देन अराउंड 35,000, 20-30 to 35,000। वाह, और बेचोगे कितने में? ये इंटरनल प्लान है 80,000 to 1 lakh के बीच में। okay. हम लोग इसको कहीं तो मेरा डिसीजन बन गया है, आपने जो फीचर्स ऐड किए हैं, 80,000-1 lakh का झूला बेचना चाहते हैं यंग लोगों को, तो उनको जिन्होंने ये नैपी वाला अगर डायपर में है तो उनको समझ नहीं आएगा। तो 1 lakh वाले इंसान के घर में एसी होता है अपने बच्चे के लिए, तो वो ना फैन यूज कर पाएगा। जो लोरी वाला फीचर है, मतलब ये काफी सारे एक्स्ट्रा फीचर्स बना के आपने एक वेरी सॉरी टू यूज द वर्ड सफेद हाथी बना दिया है, जिसमें बहुत सारी वो चीजें हैं जिसकी कंज्यूमर को वैल्यू नहीं है। आपके लिए ये बहुत पैशनेट दिल का प्रोजेक्ट है जिसमें आपने 25 लाख डाला है, तो आई फाइंड दैट वेरी इंस्पायरिंग। पर मेरे लिए ये बिजनेस सेंस नहीं बनता है, क्योंकि इसकी अप्रोच मुझे लगता है सही नहीं है। इसमें बहुत सारे फीचर्स बना के ये इतनी महंगी प्रोडक्ट बन गया। एक मिनट, मैंने भी डिसीजन बना लिया है, पर उसके पहले मैं एक कहना चाहूंगी, जिसे भी एंटरप्रेन्योरशिप का एक ड्रीम है, बहुत इंपॉर्टेंट है अपने लाइफ सेविंग्स उसमें डालने से पहले एक कस्टमर सर्वे किया जाए कि कितना नीड है, और सेकेंडली एक प्राइसिंग और कॉस्टिंग का अंडरस्टैंडिंग किया जाए कि लोग पे करेंगे ये प्राइस के नहीं। अभी आपके प्रोडक्ट में जुनून है, पैशन है, मैं इंस्पायर हो गई, ग्रेट, लेकिन 1 lakh का झूला अगर आपको स्केल करना है तो इंडिया में कोई ये पे नहीं करने वाला है। पैशन एक जगह होती है, जैसे मैंने कहा, उम्मीद और सेल्स के बीच का जो फासला होता है वो बहुत लंबा होता है, तो इसकी वजह से मैं आउट। तो साक्स, एक्चुअली ये हमारा टॉप मॉडल है, क्योंकि यहाँ पे हमको लेके आना था, तो हम लोग ने जो भी फीचर्स बनाए थे और सोचे थे वो चीज़ इसमें रखी है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग यही मॉडल सिर्फ मार्केट में बेचेंगे, इसमें से सभी फीचर्स मॉड्यूलर हैं। जैसे फ़ैन है
तो कंपलसरी नहीं है कि फैन मैन्युफैक्चरिंग के साथ ही देना है, उसको हम आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन आप कितना भी निकालेंगे तो 1 लाख का 80,000 होगा या 70,000 होगा, फिर भी कितना आप इसको बेच सकते हैं 10,000 रुपए में, दैट इज द क्वेश्चन। इसके 3 वेरिएंट या 6 वेरिएंट एज पर द मार्केट नीड अगर हम कन्वर्ट कर रहे हैं तो हम लोग इसको 25,000 में सेल कर सकते हैं। नहीं, लेकिन फिर तो कुछ बचेगा ही नहीं ना, अब सारा कुछ निकाल नहीं ऑटोमेटिक होगा सर, क्योंकि ऐप बनाने का फीचर तो बहुत से प्रोडक्ट में है। अभी मेरी बेबी है 4 साल की, उसके लिए एक ऐसा ही झूला है, वो सोने वाला नहीं है, सिर्फ बैठने वाला है। okay. वो ऑटोमेटिक पूरे दिन अप एंड डाउन करता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। और वो आया था सिर्फ कुछ 8-10 हज़ार रुपये। मैंने भी अपना डिसीजन बना लिया है। मेरा आपको एडवाइस रहेगा कि आप जाके किसी कंपनी को, आपका पेटेंट आ गया, ऐसे कोई चुरा तो सकता नहीं है, आप जाके किसी जो कंपनी है जिसको इसको आगे बेचना आता है, इंटरनेशनल कंपनीज है, फिशर प्राइस है और भी बहुत कंपनीज है, उनको जाके आप ये डिजाइन दीजिए, उनके साथ पार्टनरशिप करिए। भले ही आप उनके साथ रॉयल्टी अग्रीमेंट कर सकते हैं कि पर झूला जो बिकेगा आपको एक सर्टन पैसा मिलेगा, 25 लाख का आप इसमें से बहुत पैसा कमा सकते हैं, या वन टाइम वो आपको कुछ पैसा दे देंगे, आपने 25 लाख लगाया, हो सकता है आपको 1-2 करोड़ रुपए देके वो आपका डिजाइन ले लेंगे, पेटेंट ले लेंगे, आपका जुनून का जुनून हो गया, आपका 7 साल का मेहनत भी काम आ गया और फिर आप एक नेक्स्ट जुनून पे अपना काम कर सकते हैं। तो आई डोंट थिंक ऐसा कुछ खराब हुआ है, पर आज मैं बाहर हूं। मुझे नहीं लगता कि ये वाला प्रोडक्ट अभी ऐसा है कि मैं 1 लाख रुपए में इसको अपने बच्चे के लिए खरीदना चाहूंगी, तो आज के लिए मैं आउट हूँ। okay. बट बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। मैं ना एक्चुअली एक तो बात से मैं अग्री नहीं करता हूँ पैनल से कि आपने बहुत कुछ डाल दिया ये प्रोडक्ट में। मेरी जैसे मैंने कहा 4 साल की बच्ची है, तो जो भी प्रॉब्लम्स मैंने एक्सपीरियंस किए ना, वही एग्जैक्टली आपने वो 5-6 चीज सॉल्व की है, तो आपने एक्चुअली इसको बड़ी गहराई से सोचा, मेरा ये मानना है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आ रही है ना, आपका कॉस्ट और सेलिंग प्राइस बहुत हाई है, तो लाइसेंसिंग आप परस्यू कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले कॉस्ट ड्रामेटिकली रिड्यूस करना पड़ेगा, तो उसके बारे में आप थोड़ा सोचिए। हाँ सर, है ना, तो इसलिए मैं आपको आज फंड नहीं कर पाऊंगा, लेकिन चाहूंगा कि आप बहुत बहुत सफलता पाएं। जो आपने अभी फीडबैक दिया वही पे हम लोग जाएंगे कि जो कंपनीज को आप कनेक्ट करने की बात कर रहे हो कि उसको आप लाइसेंस कर सकते हैं, और अगर वो कंपनीज से बात हो पाए तो हम लोग लाइसेंस, तो उनसे बात करने में आपको मदद चाहिए। तो वैसे तो मुझे लगता है कि इस शो के बाद आपको वो कंपनीज कॉल करेंगी, पर अगर आपको कोई मदद चाहिए तो मैं शो के बाहर आपकी मदद करने के लिए रेडी हूँ। और भाई पेटेंट पब्लिश हो गया ना अभी, तो अभी इसको तोड़ दो, किकस्टार्टर पे जाओ, सोशल मीडिया पे जाओ, अच्छा सब जगह करो, पीआर होने दो इसका, अपने आप लोग आएंगे आपके पास, बिल्कुल अभी छुपे मत रहो, 7 साल हो गए भाई। सो वी विश यू द वेरी बेस्ट, थैंक यू। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। हम ये शार्क टैंक शो पे आ गए तो हमें देखने मिल रहा है, नहीं तो हमको सिर्फ IIT IIM वाले पिचेस मिलते हैं, ये लोग मिलते नहीं, ये पहुंच नहीं पाते हैं हमारे पास। इंडिया भरा हुआ है एंटरप्रेन्योर्स, हर घर में एक छोटा सा बिजनेस है, वो सारे एंटरप्रेन्योर्स हैं।